बाशस किचन में आज हम देखेंगे ब्रेकफास्ट रेसिपी आटे का चीला। आटे का चीला कैसे बनाते हैं और वो भी बहुत ही इजी मेथड में, आइए देखते हैं। पहले हम इसका बैटर रेडी करेंगे। इसमें मैंने एक कप आटा ले लिया है, 2 टेबलस्पून तक यहाँ पे मैंने रवा ऐड किया है, 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने राइस फ्लोर ऐड किया है। राइस फ्लोर जो है आपके आटे को चीले को बहुत ही क्रिस्पी बनाएगा। इसमें मैंने 1 टेबलस्पून जीरा ऐड किया है। सॉल्ट आपके टेस्ट के अनुसार इसमें ऐड कर लें। रेड चिली पाउडर इसमें 1/2 टेबलस्पून और ब्लैक पेपर इसमें 1/4 टेबलस्पून ऐड किया है। अब इसमें थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर लीव्स और करी लीव्स ऐड कर लें और इसमें अभी हमने क्रश्ड गार्लिक डालना है, जिसे मैं यहाँ पे क्रश कर रही हूँ और ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है। अगर आपको गार्लिक का स्वाद पसंद नहीं है तो ना ऐड करें। तो इसमें ये सब ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसका बैटर रेडी करना है। तो इसे बैटर रेडी करने के लिए मैं यहाँ पे वार्म वाटर का यूज़ करूँगी। बहुत भी गर्म नहीं होना चाहिए पानी और बहुत चिल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही ल्यूक वार्म वाटर ले लें इसे बैटर रेडी करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे पहले अच्छे से मिक्स कर दिया है और मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिला रही हूँ और अब मैं इसमें और थोड़ा पानी मिलाऊँगी और इसका बैटर अभी तैयार करूँगी। अब यहाँ पे बैटर जो है रेडी हो गया है और थोड़ा सा पतला ही ये बैटर बनाएं ताकि जो है डोसा थोड़ा क्रिस्पी बने। अब इस बैटर को हमने यहाँ पे रेस्ट के लिए छोड़ देना है, कम से कम 20 मिनट या फिर 1/2 आवर तक इसे रेस्ट के लिए छोड़ दें। अब 20 मिनट के बाद यहाँ पे मेरा जो आटा है बिल्कुल रेडी हो गया है और मैंने यहाँ पर तवा भी रख दिया है जो बिल्कुल गर्म है। अब मैं इसमें डोसा डाल रही हूँ, तो थोड़ा पतला या जैसे भी आपको जिस शेप में भी चाहिए वैसा आप यहाँ पे जो बैटर है उसे स्प्रेड कर लें और इसमें थोड़ा सा ऑयल आप इसमें मिला लें। अब इसको हम थोड़ा ऑयल इसमें डालने के बाद इसे सिम में ढक करके पकाएंगे। अब इसमें आपको आप अगर इसे सिम में पकाएं तो अच्छा होगा, नहीं तो आप मीडियम फ्लेम में भी पका सकते हैं। मीडियम फ्लेम में आप इसे लिड को क्लोज करके इसे थोड़ा पकने दें 3 मिनट तक। तो अब 3 मिनट के बाद मैं इसे ओपन कर रही हूँ और इसे मैंने मीडियम फ्लेम में ही पकाया है। तो अब देखेंगे कि ये अच्छे से पक गया है। ओके, थोड़ा ब्राउन हो गया है इसलिए मैं अब इसे टर्न करती हूँ और इसे दोबारा पकने के लिए छोड़ देती हूँ। अब ये दोनों तरफ से अच्छे से पक गया है और अब मैं इसे निकाल रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो ये डोसा जो है और थोड़ा 2 या 3 मिनट तक अगर आप तवा में छोड़ देंगे तो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा, लेकिन मुझे सॉफ्ट डोसा चाहिए इसलिए मैंने इसे निकाल दिया है। अब मैं दूसरा डोसा भी इसी तरह बना लूँगी और बैटर को अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा घी भी आप ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। अब मैंने इसे भी अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल के इसे भी मैं मीडियम फ्लेम में ढक करके पकाऊंगी। अब हमारा दूसरा चीला भी पक गया है, देखिए कैसे फूल के अच्छे से पका है। अगर आपका तवा अच्छे से गर्म हो गया है और अगर आपने बैटर को ऐसे 20 मिनट्स के ऊपर अगर अच्छे से इसे छोड़ दिया हो तभी ये ऐसे फूल के आता है ये चीला। तो इसमें जो हमने गार्लिक कोरिएंडर लीव्स और करी लीव्स डाले हैं उसका अरोमा भी बहुत अच्छे से आ रहा है। तो दोनों तरह से अच्छे से पक गया है ये चीला और मेरे दोनों चीले यहाँ पे रेडी हो गए हैं, जिसे मैंने यहाँ पे बहुत ही सॉफ्ट से निकाल दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप क्रिस्पी भी इसे निकाल सकते हैं और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये ब्रेकफास्ट रेसिपी आटे का चीला यहाँ पर रेडी हो गया है। इस आटे के चीले को आप कोकोनट चटनी के साथ सर्व करें और मुझसे भी शेयर करें कि आपका कैसे बना। इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी आटे का चीला तैयार है। अगर आपको मेरी डिश अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस डिश को एक लाइक दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।